एक मिनट ऐसे क्लोज में लेंगे in the light. Yeah, wait. 1 minute set. Ready? Sequence up. हाँ. ऐसे रुके सेम. ये जाओ. Change. पहले तो मुझे बहुत बड़ा भी नहीं है ये बैठ गए हैं 1 मिनट नहीं आने का तो है नहीं आएगी थोड़ी सी देर के लिए खड़े होना है लेकिन बहुत बैच करेंगे नहीं बनती है तो एक तरह खराब है वो नहीं होल्ड नीचे वाला थोड़ा सा ऊपर नीचे वाला ऊपर हाँ थोड़ा दैट्स eyes closed हाँ तो मैं ठीक हो गई मैंने भी लगा चले नहीं आपको देखना चाहिए हाँ जी बारात में मैरून वाला कलर बोल ग्रीन कलर कब कब वो बहुत ही अच्छा लग रहा था मैं आपका चॉइस नंबर फर्स्ट ऑफ ऑल रूमा आज मुझे इस लुक में एकदम दुल्हन की तरह खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू सो मच। जानना चाहेंगे किस के लिए ये गेटअप आपने लिया है, कुछ बताना चाहें? तो ये मैंने उसामा जी के लिए किया है, इज़ अमेजिंग मेकअप आर्टिस्ट एंड आई थिंक वो मुंबई आते रहते हैं, हम लोग बहुत सालों से ये प्लान करे थे लोग एंड आई थिंक उनका भी बर्थडे मंथ है अक्टूबर, मेरा भी बर्थडे मंथ है अक्टूबर और हमने सोचा कि अपने बर्थडे मंथ पे कुछ अमेजिंग सा शूट करते हैं एंड उनकी मैगजीन भी है तो हमने मैगजीन के लिए लास्ट टाइम हमने एक फ़ोटो शूट किया था, बहुत अच्छा आया था एंड ये लुक आज हमने सोचा इफ़ यू कैन सी हमने प्लान किया था कि एक जोधा का लुक दे बट यू नो एक प्रिटी जोधा मॉडर्न यू नो ग्लैम भी हो इनोसेंस भी हो एक साथ, तो उसको मर्ज करके हमने ये लुक कैरी किया है। वाह। तो रुमा, जैसे कि हमने देखा है आपका ग्राफ बॉलीवुड में, आपने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है, इन फ्यूचर किसके साथ काम करना चाहेंगी? इनफैक्ट लोगों का अभी मैंने आपके इंस्टा अकाउंट पे देखा था, काफ़ी अच्छी खासी फॉलोइंग है, फैन भी आपका अपकमिंग प्रोजेक्ट का वेट कर रहे हैं, कोई ऐसा अपकमिंग प्रोजेक्ट है जो कि बहुत जल्द धमाके के साथ लाने वाले हो आप? जी, अभी लास्ट ईयर मैंने टेम्पटेशन आइलैंड किया था जियो के लिए और मुझे बहुत प्यार मिला था क्योंकि दैट्स अ रियलिटी शो एंड रियलिटी शो में आप जितना रियल रहते हैं लोग आपको रियलिटी के लिए प्यार करते हैं, तो मुझे बहुत प्यार मिला। वेल मैं हमेशा अपने इंस्टाग्राम को कभी भी फ़ैन फॉलोइंग नहीं बोलती हूँ, हमेशा फैम फॉलोइंग बोली हूँ बिकॉज दे आर माई फैमिली, वॉट एवर एम टुडे इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम, देयर लव एंड सपोर्ट। सो पहले तो इंस्टाग्राम की पूरी फैमिली को, आप सबको, आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं, लॉट्स ऑफ लव टू यू गाइज, आप लोग प्लीज़ ऐसे ही प्यार देते रहे। और रही बात मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट की, अभी कुछ चीज़ें लाइंड अप हैं और आई एम कीपिंग फिंगर्स क्रॉस कि मैं जल्दी आप लोग के सामने वो रिवील करूँ क्योंकि एज़ यू नो विद हमारे टर्म्स एंड कंडीशन इतना हम नहीं रिवील कर सकते, बट बिकॉज आप लोगों ने इतना प्यार सपोर्ट दिया तो जल्दी बहुत चीज़ें आपके सामने आने वाली हैं। रियलिटी शो से याद आया, बिग बॉस भी बहुत ज़्यादा वहाँ जाना पसंद करते हैं। जी, कोई आपका प्लान है इन फ्यूचर की बिग बॉस करने का? एब्सोल्युटली, बिकॉज एक तो मुझे ऑलरेडी आदत हो चुकी है और रियलिटी शो में सिर्फ एक बहुत यू नो मैं बोलूँगी बहुत हार्ड बहुत तकलीफ़ होती है क्योंकि हम अपनी फैमिली से दूर रहते हैं, हमारे पास फ़ोन्स नहीं होते हैं और मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस किया है। 45 डेज आई वॉज इन साइड द शो जियो में, बट हमारे जो होस्ट थे करण कुंद्रा एंड मोनी रॉय, बहुत अमेजिंग होस्ट थे, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया एंड बिग बॉस में ऑफकोर्स सलमान खान सर है तो वो ऐसा लगता है कि हम भले अपनी फैमिली से दूर है लेकिन इनसाइड द हाउस हमारे पास एक फैमिली बन जाती है, तो मुझे लगता है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम होता है सारे कंटेस्टेंट्स के लिए, बट आई एम एब्सोल्युटली लुकिंग फॉरवर्ड टू बी पार्ट ऑफ बिग बॉस। वाह। लास्टली कुछ कहना चाहें अपनी इंस्टाग्राम फैम के लिए? इंस्टाग्राम फैम के लिए इतना ही है कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, हमेशा ऐसे ही करते रहे। रूमा शर्मा जैसे प्यार से आप लोग रू बुलाते हैं, मेरे को शो में सबने प्यार से रू बोला है, तो ऐसे ही अपनी रू को, इस रू तक रू का कनेक्शन आप बनाए रखें और ऐसा ही प्यार मुझे देते रहे क्योंकि जो भी मैंने अचीव किया है, ज़्यादा कम जितना भी, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस। एंड लास्ट में आपने मुझसे पूछा था कि मैं किसके साथ काम करना चाहती हूँ, तो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्टूडेंट हूँ और आप सबको पता है कि NSD इज़ समथिंग जहाँ पे ईज़िली आपको उस स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी है और उससे बड़ा क्रेडिट मेरी मॉम को जाता है। मेरी मॉम शी इज़ अ सिंगल मदर, उन्होंने मुझे पूरा सपोर्ट किया बिना फादर के, जो भी वो मेरे लिए कर सकती थी बेस्ट एज अ सिंगल लेडी, शी हैज़ बीन माई सिंगल पेरेंट एंड आई एम अ सिंगल चाइल्ड, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो NSD में हमें दिखाते हैं, सिखाते हैं कि आपको वर्सेटाइल एक्टर होना बहुत ज़रूरी है, आप किसी भी रोल पे, किसी भी कैरेक्टर पे आप यू नो स्टक नहीं हो सकते, हमेशा आपको वेरिएशंस बहुत ज़रूरी है। और आई लव ऑल द यू नो हीरोज़, बट मुझे अभी जो बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है, जो मेरी पर्सनली फेवरेट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्क विद हिम समडे, दैट इज़ पंकज त्रिपाठी सर। ठीक है, आई मीन वो कोई भी रोल कर ले, उन पे सारे रोल अमेजिंग लगते हैं एंड वो जितना ग्रिपिंग के साथ अपने ऑडियंस के यू नो कनेक्ट कर पाते हैं, तो मुझे लगता है मी एज एन एक्टर मुझे उनसे बहुत कुछ सीखना है। आई विल लव टू वर्क विद हिम समडे, ही इज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू।